अच्छा नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास कि एक्वस ह्यूमन जो है वो हमारे पास फॉर्म कहाँ हो रहा है। आपको बताइए कहाँ से बनता है, सीलरी बॉडी होती है और सीलरी प्रोसेसेस में ये बनता है, वहाँ से रिलीज हो रहा होता है। सीलरी बॉडी और सीलरी प्रोसेसेस क्या है, एज वी नो कोराइड होता है और कोराइड जब हमारे पास थिकन हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास थिकनेस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सीलरी बॉडी। ठीक है, इस सीलरी बॉडी के इस तरफ हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीलरी प्रोसेसेस, और असल में इन सीलरी प्रोसेसेस से ये एक्वस ह्यूमन जो है हमारे पास सिक्रीट हो रहा है। और सीलरी बॉडी से आगे दोनों साइड्स पर क्या होता है, आयरस होता है। ठीक है, अब आयरस होता है यहाँ पर दोनों साइड्स पर, एंड अगेन यहाँ पर भी हमारे पास दोनों साइड पे हमारे पास आयरस होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास सीलरी प्रोसेसेस है ना, इनको कवर किया हुआ होता है एपिथेलियल सेल की एक लेयर ने। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल की एक लेयर होती है इस तरह से, और इस लेयर की अंदर की साइड पर हमारे पास क्या होती है, वस्कुलर लेयर होती है। अब आपको पता है कि कोराइड हाईली वस्कुलर होता है तो यहाँ पे अंडर जो है वस्कुलर लेयर भी होती है। इन प्रोसेसेस की हम बात करें, ठीक है, अब होता ये है हमारे पास कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है कि इस ब्लड में से एक्टिवली सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट आके आ रहा होता है एपिथेलियल सेल्स के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे। ठीक है, सोडियम जब आता है एक्टिवली तो अपने साथ ही किसको भी लेके आता है, क्लोरीड को भी, क्लोराइड को भी सॉरी, और बायकार्बोनेट आयन को भी। जैसे ही हमारे पास ये आते हैं तो आपको बताया इनको कौन फॉलो करता है, वाटर, तो वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ आ जाएगा और ये जितना सारे का सारा फ्लूड होगा यहाँ पे एक्युमुलेट होगा उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलेंगे और वो यहाँ से सिक्रीट हो जाएगा। अब सिक्रीट कहाँ होगा और कहाँ जाएगा, आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो सीलरी प्रोसेसेस हैं इनमें से जो एक्वस ह्यूमर बना है सारे का सारा वो पहले रिलीज होता है पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, अब कैसे पोस्टीरियर चैम्बर में रिलीज होता है मैं आपको बताती हूँ। पोस्टीरियर चैम्बर से प्यूपिल के थ्रू ये इंटर करता है एंटीरियर चैम्बर को, पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर सॉरी प्यूपिल के थ्रू ये किस चीज़ को इंटर कर लेता है, इसको इंटर कर लेता है एंटीरियर चैम्बर को। अब कैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है, ये रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, जो आयरस के पीछे होता है सारे का सारा इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, और आगे वाले को हम क्या कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। दिस इज द कॉर्निया और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, स्क्लेरा है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहाँ से वो एक्वस ह्यूमर रिलीज़ हुआ। ठीक है, इस प्यूपिल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर में, और इंटीरियर चैम्बर से गुजरने के बाद ना यहाँ पे ये जो हमारे पास स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन होती है यहाँ पे हमारे पास ट्यूब्यूलर मैशवर्क नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या होता है ट्यूब्यूलर मैशवर्क नेटवर्क, ये फ्लूड उस ट्यूब्यूलर मैशवर्क नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे हमारे पास होती है, इनके जंक्शन में ही यहाँ पे किनाल होती है जिसे हम बोलते हैं किनाल ऑफ शेल। ठीक है, तो ये फ्लूड इस मैशवर्क नेटवर्क से कहाँ जाएगा, इस किनाल ऑफ शेल में, और किनाल ऑफ शेल से ये ड्रेन करेगा हमारे पास एक्वियस वेन में, और एक्वियस वेन से आगे ऑप्थेल्मिक वेन में। ठीक है, तो इतना ही पाथवे आपके लिए इनफ है, तो आपको भी मैं बुक से डायग्राम भी दिखा देती हूँ कि हमारे पास एक्वस ह्यूमर क्या करता है कि पोस्टीरियर चैम्बर में रिलीज होता है, वहाँ से प्यूपल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर को एंटर करता है, एंटीरियर चैम्बर से आगे कहाँ जाता है हमारे पास जो कॉर्निया और स्क्लेरा की जंक्शन है जिसे हम अराइडो कॉर्नियल एंगल भी बोलते हैं, वहाँ पर जाता है, कहाँ जाता है अराइडो कॉर्नियल एंगल के पास जाता है। इस अराइडो कॉर्नियल एंगल से ट्यूब्यूलर नेटवर्क जो है मैशवर्क नेटवर्क है उसमें एंटर करता है और वहाँ से ये हमारे पास जाएगा किनाल ऑफ शेल में। ठीक है, किनाल ऑफ शेल में, किनाल ऑफ शेल से ये जाएगा बच्चों एक्वस वेन में, और एक्वस वेन से आगे ऑप्थेल्मिक वेन में। ठीक है, तो इस तरह पाथवे होता है, आप इसको अपने पास ड्रॉ कर लीजिएगा, और जितना हमारे पास ये डेली बन रहा होता है उतना ये एब्जॉर्ब भी हो रहा होता है, इसके दरमियान एक बैलेंस मेंटेन होता है जिसकी वजह से इंट्राक्यूलर प्रेशर मेंटेन होता है। इंट्राक्यूलर प्रेशर की वैल्यू जो है वो 12 से 20 तक हो सकती है, और नॉर्मल जो है वो हमारे पास कितनी है एवरेज के लिहाज से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, उसको मेजर जो है वो डायरेक्टली हम नीडल के थ्रू नहीं कर सकते, बस ऐसा करते हैं कि कॉर्निया को एनेस्थेसाइज करते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, फिर हमारे पास टोनोमीटर होता है। ठीक है, टोनोमीटर की मदद से हम इसका प्रेशर मेजर कर लेते हैं, टोनोमीटर की एक फुट प्लेट होती है, उस फुट प्लेट से हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और जितना हमारे पास कॉर्निया डिस्प्लेस होता है उसकी मदद से हमें क्या कर लिया जाता है, प्रेशर मेजर कर लिया जाता है। बुक के अंदर उसने इसके लिए डायग्राम दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये उसने दिखाया हुआ है कॉर्निया के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई होगा उससे हमें जितनी डिस्प्लेस होगी फोर्स अप्लाई करने से उतना हमारे पास प्रेशर होगा। देन हमारे पास बताया हुआ है कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो किस तरह से रेगुलेट होता है, तो रेगुलेशन बस इतनी इसकी इस तरह से ही है कि हमारे पास नॉर्मल जो है वो 15 प्रेशर मेंटेन रहता है, जैसे इससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो रीअब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्प्शन है उसकी टुवर्ड कैनाल ऑफ शेल्म एंड वेन्स की तरफ वो बढ़ जाएगी, तो नॉर्मली जो इसका इनपुट और इसकी फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन होती है ना वो इक्वल होती है। उसके बाद वो बता रहा है इसकी क्लिनजिंग के बारे में, क्लिनजिंग के बारे में आपको बता देती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे कैनाल ऑफ शेल्म प्रेजेंट है स्क्लेरा और कॉर्निया की जंक्शन पे, और यहाँ पे जो हमारे पास मैशवर्क नेटवर्क पड़ा हुआ है वो कह रहा है इस मैशवर्क नेटवर्क के पास हमारे पास जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो पड़े हुए होते हैं। अब जितना भी एक्वस ह्यूमर जा रहा होता है मे बी उस एक्वस ह्यूमर में कोई डेबरिस हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो इसको ब्लॉक कर दे या फिर इसके ड्रेनेज को इफेक्ट करे और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिस्टर्ब करे, उस डेबरिस को ईट करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं फैगोसाइटिक सेल जो उस डेबरिस को ईट करते हैं और इस मैशवर्क नेटवर्क को साफ सुथरा रखते हैं। उसके अलावा किनार ऑफ शेल्म के आगे यहाँ पर एक जेल पड़ी हुई होती है इंटरस्टीशियल सेल, उस इंटरस्टीशियल सेल्स के पास रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स हैं, वो रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स जो हैं फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और वो भी हमारे पास क्या करते हैं, वो भी हमारे पास जो है वो क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास आयरस की हमने बात की है, आयरस के पास भी आगे ऐसे फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं जो कि इस वाली सारी जगह को क्लीन करने में हेल्प करते हैं और मैशवर्क नेटवर्क की या फिर ड्रेनेज की ब्लॉकेज होने से रोकते हैं। तो ये क्लींजिंग एक्शन बताया हुआ है,
देन हमारे पास बस इस चैप्टर में एंड पे एक क्लिनिकल डिस्कस किया हुआ है ग्लूकोमा, ठीक है। उसमें यही होता है कि जो इंट्राक्यूलर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है हमारे पास, इनपुट ने और आउटपुट ने ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। या तो ये मैचबैक नेटवर्क में ब्लॉकेज हो जाता है या लिम्स का ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये ड्रेनेज नहीं हो पाता, तो जो हमारे पास इंट्राक्यूलर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। कितना हाई हो जाता है, 60 to 70 mm ऑफ मर्करी तक भी चला जाता है नॉर्मल 15 की रेंज से, और ये हमारे पास ओवरऑल ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। इसमें ट्रीटमेंट यही होता है कि शुरू शुरू में तो हम ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स क्या करती हैं यहाँ पे जाके सिक्रीशन को भी कम करती हैं और एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती हैं। अगर ना इस तरह से ठीक हो रहा हो तो फिर क्या किया जाता है, सर्जरी करके आउटफ्लो चैनल्स बनाए जाते हैं।